ओम नमः शिवाय मित्रों। तो आज मैं सुनाऊंगी श्री गणेश और बुढ़िया माई की एक पौराणिक और रोचक कहानी। तो चलिए सुनते हैं कहानी को। जय श्री गणेश की। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था, वो वहाँ जाकर बोली, मेरे लिए पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे, उतने में अपनी दीवार ना चीनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो चीने और ढा देवे, चीने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। वे कहने लगी, एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी कि मेरे लिए पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, हम बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा, हम तेरे लिए सोने का गणेश गढ़ देंगे, लेकिन हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया के लिए सोने का गणेश गढ़वा के दे दिया। सेठ की दीवार भी सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसे ही सबकी करना। जय श्री गणेश, ओम नमः शिवाय।